हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैवरिक गुरु। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में हमने बात की थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनिट वाइज कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस यूनिट से, किस पोर्शन से, कैसा आता है, पूरा वेटेज के बारे में मैंने बताया था फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज बात करेंगे बायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ लेने से बायोलॉजी में 340 आउट ऑफ 360 कोई रोक नहीं सकता है लाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासकर नीट 2020 के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों बायोलॉजी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक बॉटनी एक जियोलॉजी। वैसे नॉर्मली मैंने देखा है कि एनसीईआरटी 11th और 12th सफिशियंट रहती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ट्रूमैन की बायोलॉजी भी ले लेते हैं। एनसीईआरटी 11th और 12th से लगभग इक्वल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी 11th से कम रहते हैं और एनसीईआरटी 12th की बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजी और बॉटनी दो सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है दोस्तों। बायोलॉजी में ऑन एन अराउंड 45 टू 48 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इकोलॉजी से 6 to 7 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी से 2 क्वेश्चंस, प्लांट एनाटॉमी से 3 क्वेश्चंस, प्लांट किंगडम से 6 क्वेश्चंस, मॉर्फोलॉजी से 2 क्वेश्चंस, रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट से 5 क्वेश्चंस, मींस रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बॉटनी हो चाहे जियोलॉजी हो। जेनेटिक्स 5 क्वेश्चंस, लिविंग वर्ल्ड 1 क्वेश्चंस, इनहेरिटेंस से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑन एन अराउंड टोटल अगर मैं बात करूँ तो 45 to 48 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायोलॉजी से। इसी तरह से जूलॉजी में 42 to 45 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जूलॉजी में एनिमल किंगडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी से 1, एनिमल फिजियोलॉजी से 1, बायोमोलिक्यूल से 4, बायोटेक्नोलॉजी से 3, फूड प्रोडक्शन से 2, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 से 16 क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं, 15 to 16 क्वेश्चंस। एवोल्यूशन से 1 क्वेश्चंस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 3 क्वेश्चंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चंस, इसी तरह से रिप्रोडक्शन से 1 क्वेश्चंस। तो ऑन एंड अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 42 to 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके जियोलॉजी से। तो बॉटनी और जियोलॉजी दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया था। नॉर्मली क्लास 11th और क्लास 12th की बुक अगर पूरी पढ़ लेते हैं आप तो आप पूरा मार्क्स भी ला सकते हैं बायोलॉजी में, बहुत आसान होता है। बायोलॉजी ही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है दोस्तों, क्योंकि बायोलॉजी में जिसने अच्छा कर लिया वो फिर 600 से ऊपर की कैटेगरी में आ जाता है और उसको अच्छा सिलेक्शन, अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो टारगेट यही रखिए कि बायोलॉजी में कम से कम 340 टू 350 मार्क्स आउट ऑफ 360 आप रखेंगे, तभी आपका कुछ हो पाएगा, खासकर आने वाले कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो बायोलॉजी लगभग सभी कैंडिडेट्स अच्छा करते हैं, तो आपको भी अच्छा करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि बायोलॉजी में किस तरह से, कहाँ से, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूनिट वाइज वेटेज क्या है। That's all from my side. Do like, share and subscribe to Maverick Guru. Thanks. Bye and take care.